मुजफ्फरनगर समाज सेवी मनीष चौधरी ने प्रत्येक साल की भांति इस साल भी घुमंतु और गरीब परिवारों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। उनके बीच रहकर ये महापर्व मनाए। इस अवसर पर उन्होंने गरीब परिवारों को मिठाई, मोमबत्ती, दीपक और उपहार वितरित किए, जिन्हें पाकर गरीब परिवार और उनके बच्चे खुशी से झूम उठे। इस दौरान घुमंतु जाति के शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों ने मनीष चौधरी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिनका निराकरण करने के लिए जोर शोर से आवाज उठाने का प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने भरोसा दिलाया। समाजसेवी ने अपनी टीम के साथ प्रत्येक साल दिवाली और होली का पर्व घुमंतु जाति और गरीब परिवारों के बीच मनाते चले आ रहे हैं। गत रात भी मनीष चौधरी और उनकी टीम ने गरीब परिवारों को मिठाइयां, मोमबत्ती आदि प्रदान की। आज दीपावली का पर्व है, तो किस तरह से आप दीपावली का पर्व मना रहे हैं? देखिए मान्यवर, अगर हमारे घर में रोशनी है और गरीब के घर में अंधेरा है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम हिंदुस्तानियों की सर्वप्रथम जो हमारी पहचान है वो सबसे बड़ी होती है। जाति धर्म से उठकर सबसे पहली जो होती है इंसानियत होती है, और इंसानियत हमें जहाँ लगता है कि इन छोटे छोटे गरीब परिवारों में है, जिनके बच्चे एक टाइम का भोजन भी नहीं कर पाते, तो हमारी तरफ से, हमारी टीम की ओर से, सभी साथियों के साथ मिलकर एक प्रयास है कि सबको संदेश देने का कार्य किया जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे साधनहीन व्यक्ति हैं उनकी हर तरह से मदद होनी चाहिए, और हर त्यौहार में, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे मुस्लिम का, चाहे सिख का, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, सभी में हमें इन सब लोगों को भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भगवान के बनाए हुए प्रेमी हैं। और कहीं ना कहीं जितना भी ये कठोर कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो एक ये अपने आप में अपने सामने जितने भी व्यक्ति होते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं और किसी की चोरी चकारी करके नहीं खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका परिवार जो है अब पढ़ाई की ओर जाना शुरू हो गया है, और छोटे छोटे बच्चे इनके पढ़ाई की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक हमारी इनके लिए विशेष मांग है कि सरकार इनके बच्चों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि ये घूमती जाती होती है और कहीं ना कहीं इनके पक्के मकान भी नहीं होते। इनके पक्के मकान और इनकी पढ़ाई पर विशेष अगर सरकार ध्यान दे तो कहीं ना कहीं ये भी भारत का एक हीरा निकलेंगे।